ये अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये है हाइड्रोफेशियल मशीन जो फारूक क्लिनिक में अवेलेबल है। ये एक लग्जरी ट्रीटमेंट है हाइड्रोफेशियल, ये इसके काम आती है। और यहाँ पर देखें, तीन चेम्बर्स हैं इसमें, जो है तीन सीरम्स डाले जाते हैं जो कि यहाँ पर हैं अवेलेबल। ये आपके स्किन टाइप के हिसाब से डिसाइड करके जो है डॉक्टर डालेंगे। विटामिन सी सीरम हाइड्रेट है, एक ऑयल कॉन्ट्रा एक्सफोलिएट हाइड्रेट है ये, और ये है विटामिन सी सीरम हाइड्रेट। और इसमें जो है ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए होता है, स्पेशल एक होता है फॉर एक्नी प्रोन, ऑयल एंड एक्नी प्रोन स्किन के लिए अलग सी सीरम्स हैं। तो ये हम स्किन टाइप देख के जो है डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कौन सी सीरम डालनी है। और चलें, ये है हाइड्रोफेशियल की मशीन माशाल्लाह। और इसकी ख़ासियत ये है कि इसमें जो है माशाल्लाह से 6 प्रोब्स हैं, तो हर प्रोब का एक फंक्शन होता है। ये है माइक्रोडर्म एब्रेशन, ये जो है सुभान अल्लाह ये वैक्यूम की तरह काम करता है। इट क्लेंजेस योर स्किन एंड एक्सफोलिएट्स, और इसमें जो भी सुभान अल्लाह गंदगी होती है, जैसे ब्लैक हेड्स होते हैं, एक्नी, वो सारी चीज़ें जो है सुभान अल्लाह एक्सट्रैक्ट करता है। ये जो है दो ड्वेल काम करता है एक्चुअली, इट वैक्यूम की तरह ये एक्सट्रैक्ट भी करेगा। और जो हम सीरम्स इसमें डालते हैं, उस सीरम से जो है आपका स्किन हाइड्रेट होता है। और यहाँ पर देखिए, ये दो चेम्बर्स में सारी स्किन की जो भी रहेगी गंदगी वो पूरी इसमें आके जमा होती है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है माशाल्लाह, ये एब्रेशन का है ये प्रोब। और ये कोल्ड हैमर है, ये स्क्रेपर है, इसको जो है एलोवेरा जेल लगाते हैं हम लोग। यहाँ है एलोवेरा जेल, इससे जो है मैं ख़ुद अपने पेशेंट्स को, यानी आई टेक केयर के मैं ख़ुद करूँ, आई हैव असिस्टेंट्स, बट स्टिल व्हेन पेशेंट्स आर देयर आई प्रेफर के मैं ख़ुद करूँ उनको। एलोवेरा जेल से जो है हम पूरा स्क्रेप करते हैं, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसमें जो है मोड्स हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन, इट्स ऑल ऑटोमेटिक, सो यू द डॉक्टर विल बी डिसाइडिंग कि क्या चाहिए क्या नहीं। इस स्क्रबर से सारी गंदगी जो है बाहर आ जाती है सुभान अल्लाह। और जो भी ओपन पोर्स होते हैं इस कोल्ड हैमर से जो है क्लोज हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये आरएफ का प्रोब है, ये विटामिन सी सीरम जो है डालते हैं हम लोग, उसका प्रोब है ये।